दोस्तों, इस बात से तो हर कोई वाकिफ है कि सीरियल कुंडली भाग्य से धीरज धूपर के जाने के बाद अभिनेता शक्ति अरोड़ा के शो में एंट्री करवाई गई थी और इनकी एंट्री भी काफी धमाकेदार थी, जो लोगों को खूब पसंद आई थी। और इन्होंने अपनी दमदार एक्टिंग से दर्शकों के बीच एक अलग ही खास जगह बना ली थी। लेकिन हाल ही में शक्ति अरोड़ा से जुड़ी एक खबर सामने आ रही है कि शक्ति अरोड़ा कुंडली भाग्य के स्टार कास्ट पर बहुत ज्यादा गुस्सा हुए हैं। जी हाँ, तो आखिर क्या है शक्ति अरोड़ा के गुस्सा होने की वजह, बताएंगे आज की हमारे इस वीडियो के जरिए। अगर जानना चाहते हैं आप भी तो बने रहे हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक, पर इससे पहले वीडियो को लाइक करना ना भूले। सीरियल कुंडली भाग्य में 5 साल के लीप के बाद धीरज धूपर की जगह अभिनेता शक्ति अरोड़ा की अर्जुन सूर्यवंशी के किरदार में एंट्री करवाई गई थी और लोगों ने इनके एटीट्यूड भरे अंदाज को खूब पसंद किया था। और धीरज धूपर की जगह लोगों ने इन्हें एक्सेप्ट तो कर लिया, लेकिन लोग इसके बावजूद इनकी एक्टिंग को कुछ खास भाव नहीं दे रहे थे। लेकिन शक्ति अरोड़ा अपनी मेहनत में लगातार लगे हुए थे। वहीं अगर बात करें क्यों हुए शक्ति अरोड़ा कुंडली भाग्य स्टार कास्ट पर गुस्सा, तो आपको बता दे इनके गुस्से होने की वजह और कोई नहीं बल्कि इनका और धीरज धूपर का कंपैरिजन है। जी हाँ, जैसे लोगों ने शक्ति अरोड़ा की एक्टिंग को धीरज धूपर की एक्टिंग से कंपैरिजन कर इन्हें नापसंद किया, तो वहीं अब कुंडली भाग्य स्टार कास्ट भी यही कर रही है। सभी धीरज धूपर और शक्ति अरोड़ा का कंपैरिजन कर रहे हैं। कुंडली भाग्य स्टार कास्ट का कहना है कि धीरज धूपर काफी अच्छे थे, वो अपने एक्टिंग में काफी अच्छे थे और अपने हर एक अंदाज को काफी बखूबी से पर्दे पर निभाते थे। हालांकि शक्ति अरोड़ा तो अपनी मेहनत कर रहे हैं, इसके बावजूद उनको ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा कि लोग उनके और धीरज धूपर के बीच कंपैरिजन कर रहे हैं और बार बार उन्हें सेट पर ये फील करवाया जाता है कि वो धीरज धूपर की जगह पर आए हैं और लोग उनको कुछ खास रिस्पॉन्स नहीं दे रहे, जिसकी वजह से शक्ति अरोड़ा को काफी ज्यादा बुरा लग रहा था। इसी वजह से शक्ति अरोड़ा सीरियल कुंडली भाग्य के स्टार कास्ट पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हुए थे। इसी कारण इन्होंने कुंडली भाग्य स्टार कास्ट को कई बातें भी सुना दी थी कि किन्हीं दो लोगों के बीच कंपैरिजन नहीं करना चाहिए, हर किसी का अपना अपना अलग अंदाज होता है, सबकी अपनी मेहनत होती है, तो इस तरह से किसी के बीच कंपैरिजन नहीं करना चाहिए। वेल दोस्तों, आपको क्या लगता है कि इस तरह से शक्ति अरोड़ा और धीरज धूपर के बीच कंपैरिजन करना चाहिए? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही टीवी इंडस्ट्री से जुड़ी ऐसी तमाम खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।